नमस्कार करते हैं हुजूर। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ओह लाल बादशाह जी, नमस्कार नमस्कार। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? टोपी वाले के सामने हमारे पाँव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे, बिना वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहाँ से। हाँ हुजूर। हाँ बोलो। क्या बात है हुजूर? बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो उन लोगों का धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है, इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब, जवान दे दिए हैं। लाल सिंह जान दे देगा, जवान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वालों को कहा है आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे, समझते हैं नू? तो तुम हमें चैलेंज करने आए हो, वो भी यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में। आपका पुलिस स्टेशन? आपका पुलिस स्टेशन कैसे हो गया? ये तो सरकारी है। देखिए हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना मंडी वाला है ये मेहनत के रास्ते पर चल रहा है, इनको चलने दीजिए। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। बहुत हो गया, समझते क्या तुम अपने आपको? कौन हो तुम? मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो? और हाँ, ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है। पूछते हैं है? हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलिएगा तो हाथ में पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। चलते हैं। मार देंगे उसको, तो पहले मर चुके हैं। मुझे बचा लो लाल बादशाह। हमारा मन तो करता है कि यहीं आपको जान से मार डाले, किंतु आपको मारकर हमको क्या मिलेगा? वैसे भी छोटे लोगों पर हाथ उठाना हमारी स्टाइल के खिलाफ है। और दयाल सिंह जी के जो बिटवा हैं उनसे जाकर कहिएगा कि दोबारा इस मंडी की तरफ आंख उठाकर देखा तो छाइन छोटा कर देंगे हम। और जितनी जल्दी फड़फड़ाते हुए आप दौड़ के यहां आए थे वैसे ही वापस दौड़ जाइए। और चलिए। सारे के सारे भागे? वाओ! लाल बादशाह जिंदाबाद! लाल बादशाह जिंदाबाद! लाल बादशाह जिंदाबाद! लाल बादशाह जिंदाबाद! सरकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जान बचा ली। जिंदाबाद! लाल बादशाह जिंदाबाद! लाल बादशाह जिंदाबाद! बस 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 बस। वाह जनाब वाह, आपने तो कमाल कर दिया, ना हाथ चलाए ना पाओ। आपकी बहादुरी ने कितनी समझदारी से गुंडों को पार लगा दिया, फैंटास्टिक। अगर वो मेरा क्लाइंट मर जाता तो मुझे भी मेरे लाइफ के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और देख थोड़ी ना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप सांस कब लेती हैं, बिना रुके बोलती चली जा रही हैं। वो इंश्योरेंस एजेंट हूँ ना, आदत पड़ गई है। चलिए ना चाय पीते हैं। आइए ना। और चलिए। आइए। सलाम लाल बादशाह। नमस्कार भाई साहब। बैठिए। वैसे तो ये होटल आपकी हैसियत से थोड़ी छोटी है,
मगर इससे बड़े होटल में जाने की हमारी हैसियत नहीं है, इसलिए आपको हमारे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सलाम साहब, हम क्या लाओ? एक चाय मलाई मार के। रोज की तरह एक चाय। इस होटल की सारी आइटम घटिया और बकवास है, हाँ लेकिन चाय उतनी टेस्टी और बढ़िया है, इसलिए मंगाई है एक चाय। कमाल करते हैं आप तो, आदमी दो और चाय एक। आधी आधी पिए ना, देखिए आधी आधी चाय पीने से चाहत बढ़ती है, चाहत से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से पहचान बढ़ती है, पहचान से नाम बढ़ता है, नाम से काम बढ़ता है, काम से दाम बढ़ता है और दाम से बिजनेस बढ़ता है। अब बोलते बहुत है आप। सो तो है, मगर क्या करे, इस दुनिया में बोले बगैर काम कहाँ चलता है। मगर जनाब मान गए आपको, आपने ना हाथ चलाए ना पैर, गुंडे आपको देखते मंडी से दुम दबा के भाग गए और यहाँ देखिए जो भी आपको देखता सलूट करता है। बहुत बड़े आदमी होंगे आप, टाटा बिरला तो होंगे। नीचे नीचे। धीरूभाई अंबानी और नीचे। अरे सिंघानिया तो होंगे ही ना। और थोड़ा नीचे जाइए ना। अरे नहीं नहीं जनाब, आप कहाँ इतने बड़े आदमी और इतना छोटा, प्रेम को बना रहे मुझे। गर्मा गर्म एक चाय मलाई मार के। अरे ये तो लाल बादशाह लगता है। एक बात बताइए, ये आधा प्याली चाय पिला करके आप हमारा क्या करना चाहते हैं? देखिए जब आदमी दो और प्याला एक हो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं कह रही थी कि जब आदमी दो और प्याला एक। हाँ हेलो, मैं विक्की बादशाह बोल रहा हूँ। हाँ तो आप कह रही थी कि जब प्याली दो और आदमी एक। जब प्याली एक और आदमी दो। हाँ देखिए बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप हमको, और समझने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा बिजी हैं हम अभी। आप फुर्सत से फोन कीजिएगा तो आपको बोलने में मजा आएगा, हमको सुनने में। हाँ मुझे आज अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। और कहाँ से बोल रहे हैं? रॉयल फोर्ट। ठीक है आते हैं, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, हमको जाना पड़ेगा। ज्यादा प्याला चाय पिलाए हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत नो प्रॉब्लम। आप कब मिलेंगे फिर? और नहीं मिलेंगे तो क्या कर लीजिएगा? अरे जनाब मिल भी जाएंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? मैं भी ठीक है, ठीक है मिल लेंगे आप, चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। इस आदमी के साथ तो मैं अपनी लाइफ भी एडजस्ट करने को तैयार हूँ। इस शहर का बादशाह कौन? यह पूछने के लिए इतना दूर से हमको बुलाया आपने? हमसे ज्यादा तो आपको मालूम है, खुदाई से पूछ लीजिए, और नहीं तो शहर के लोगों से पूछ लीजिए ना। बहुत बोलते हो, बोल लो, इसके बाद तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ओ दिया, अब हम जो कहते हो भी सुन लीजिए, इस शहर में रहना है तो शरीफ बनकर रहिएगा, बेबस मासूम जनता को सताना छोड़ दीजिए। आप ईश्वर की कुंडली में जो चार पांच दिन आपके जीवन का बाकी है उसे प्यार से गुजारिए, नहीं तो ये जो आपका लाइफ लाइन है उस पर हम स्याही पोत देंगे। और दोबारा हमको ये तमंचा का धमकी मत दीजिएगा, एक गोली आप चलाएंगे तो 100 गोली आप पर चल जाएगा। अरे उसने हाथ चलाए ना पाओ, गुंडे गायब, वो आदमी नहीं करंट था करंट, जिसका झटका लगने से पहले ही दुश्मन गायब। तो किसकी बात कर रही है? वही अजनबी जिसमें बात थी, इस दिल को ऐसे ही दिलदार की तलाश थी,
दिल की बात मत सुन, दिमाग से काम ले। वो तो मेरे दिलो दिमाग में छा गया है। उसका क्या स्टाइल, बात करने का अंदाज, अदाएं। मैंने तो उसके साथ वाइफ बन के लाइफ एडजस्ट करने की ठान ली है बस। तू सपने देखना छोड़ दे, लाइट बंद कर और सो जा। तू अंधेरा करने की बात कर रही है? जिंदगी में पहली बार तू उजाला आया है। लाल बादशाह, आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूं? वकील साहब, इजाजत काहे मांग रहा है? आप ही का घर है, आइए ना। उस दिन अदालत में आपके खिलाफ लड़कर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? काले कोट की कमाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? बैठिए, अब बैठिए ना। लाल बादशाह, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। मैं तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आया हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे ये क्या कर रहे हैं? चलिए यहां बैठे बैठे यहां पर, और कोई देख लेगा तो छप जाएगा कि कानून लाल बादशाह के कदमों में बैठा है। बोलिए क्या बात है? कुछ रही ज्यादा मेरी बेटी को उठाकर ले गए हैं। मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है लाल बादशाह। देखिए, यह काम तो पुलिस डिपार्टमेंट का है। अब वैसे भी कानून जो है वो आपके पहलू में आराम कर रहा है, उसे जगाता क्यों नहीं है? अदालत में जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर मुझे माफ कर दो। माफ तो हम कर सकते हैं किंतु करेंगे नहीं। ऐसा मत करो लाल बादशाह, मेरी बेटी का क्या होगा? और शहर में कितना क्रिमिनल लोग आपका दोस्त है, उनसे मदद लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जाइए। बस हो गया, चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। और चलिए ना। होम मिनिस्टर साहब, जिंदगी भर मैंने कानून की सेवा की है, कानून को अपना धर्म माना है, और आज मेरे साथ ही अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए होम मिनिस्टर साहब, मेरी बेटी को बचाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को बचाइए, वरना उसके बिना मैं तो। बेटी? क्यों डैडी, आपको ताज्जुब हो रहा है कि मैं सही सलामत घर कैसे लौट आई? अरे वो तो तू आनी थी बेटी, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। कमिश्नर, मिनिस्टर, सीआईडी, सीबीआई, होम मिनिस्टर, सबकी कुर्सियां हिला डाली, इसलिए वो गुंडे तेरी परछाई को भी नहीं छू सके। ये सब मेरी करनी है बेटी, मेरी। आपकी कर्दी का फल मैं आज भुगतने वाली थी, वो तो ऐन वक्त पर एक फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। किसने? लाल बादशाह। पापा एक होटल है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार हम इधर हैं और आप उधर। बोलिए ठीक कहते हैं कि नहीं? सलाम साहब। सलाम। क्या लाओ, आलू फ्राई, बैंगन फ्राई, भिंडी फ्राई, दाल फ्राई, आलू? एक चाय। एक चाय? हाँ, मलाई मार के। रोज की तरह? हाँ। समझ गया लाल बादशाह, समझ गया। सिर्फ चाय? और सुनिए, यहाँ का खाने का जितना आइटम है अब बहुत ही घटिया और बकवास, मगर यहाँ का चाय उतना ही टेस्टी और बढ़िया है, इसीलिए मंगवाया है एक चाय। लेकिन कमाल करते हैं आप, आदमी दो और चाय एक। और देखिए, आधी आधी चाय पीने से चाहत बढ़ती है, चाहत से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से पहचान बढ़ती है, पहचान से काम, काम से दाम, दाम से बिजनेस बढ़ता है। अब ये मत बोलिएगा कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आप मेरी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ा रहे?
आप नहीं जानते एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की क्या इनकम होती है। कभी पर्स में पैसा हो 1000 रुपए, अगर ना हो तो 1 रुपए भी नहीं। ऊपर से मेरा बॉस रोज मुझे धमकी देता है कि इंश्योरेंस का कोटा टाइम ही पूरा नहीं किया तो मेरी एजेंसी कैंसिल कर देगा। कितना टेंशन, कितना प्रॉब्लम है और आप मुझे। अरे तो इतना दुखी और परेशान काहे हो रही हैं? कोटा पूरा करने में कितना रुपया लगेगा? 40 लाख। हाथ दीजिए, हथवा दीजिए ना, पेन लाइए। ठीक है, हम अपना पेन खुद यूज करें। चालीस लाख लाल सिंह के नाम हो गया कोटा पूरा आपका। ऐसे अब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ये लीजिए सर, पूरे 40 लाख इंश्योरेंस लाई हूँ। पूरे 40 लाख की एक इंश्योरेंस पॉलिसी? माय गॉड, रियली? अरे मीना, जॉन, गोपाल, शीला, जल्दी आओ। अरे मिठाई लाओ, हार लाओ, किरण का मुंह मीठा करो। 40 लाख की पॉलिसी बनवा के लाइए किरण। वाह 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 वाह, क्या बात है, मान गए किरण, मान गए। अरे 100 सुनार की तो एक लोहार की, एक ही झटके में 40 लाख की एक पॉलिसी बनवा कर लाई। वाह वाह, क्या बात है। कोई बड़ा आदमी होगा? अरे हम छोटे मोटे आदमी से मिलते कहाँ हैं। आपने लाल सिंह का तो नाम सुना होगा, लाल सिंह उर्फ लाल बादशाह। लाल बादशाह की इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा कर लाई हो? अरे हम लोगों को मरवाना है क्या पागल? Congratulations, ma'am. अरे नहीं चाहिए, मिठाई हटाओ यार, बार वापस ले जाओ पागल। अरे शहर का हर गुंडा जिसका दुश्मन, पता नहीं जाने कब किसकी गोली का वो शिकार बन जाए, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा कर लाती हो। तेरी एजेंसी कैंसिल कर देता अभी और इसी वक्त। आप क्या मेरी एजेंसी कैंसिल करवाएंगे? मैं आपकी कंपनी खुद कैंसिल कर देती हूँ। ये आदमी के घनचक्कर। घनचक्कर तो एक नंबर का आपका बॉस है। आप तो खूबसूरत है, गले में माला डाल के निकाल दिया। अब मूर्खता की भी लिमिट होती है। Yes, it was a great insult to me. इसलिए तो मैंने उसकी एजेंसी ही छोड़ दी। हाँ, वैसे जहाँ तक माला का सवाल है, एक नई माला अपने गले में एडजस्ट करने की ठान ली है मैंने। नई माला? इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं क्या? इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की माला है। मैंने वाइफ बनके तुम्हारे साथ लाइफ एडजस्ट करने की ठान ली है। हाँ। अरे अजीब फरवा टाइप की लड़की है आप। आपके ठान लेने से हम क्या मान जाएंगे? क्यों, क्या खराबी है मुझ पे? मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी आंख महंगी है, या फिर मेरे चाल में कुछ खराबी है? नहीं, आपका तो पूरा डिपार्टमेंट बहुत हाई क्वालिटी का है, मगर ये बरवाला का खांड आप हमारे साथ कहना चाह रही हैं? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, यू आर वेरी स्वीट। एक बात कॉन्फिडेंशियली हम भी आपसे करना चाह रहे हैं। ये जो पिटर पिटर आप अंग्रेजी बोलते हैं, ये हमको भी बहुत अच्छी लगती है। फिर कर लो ना शादी, कर लो ना। I will walk in English, I will talk in English, I will dance in English. कर लो ना। और शादी ही करना होता तब तक चुप बैठे रहते। अभी तुम चुप रहो या शोर मचाओ, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगी सिर्फ तुमसे, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। हाँ। ए देवी जी, ऐसा बोल के तो बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया है आपने। इस समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा? क्या बात है बेटे? माँ जी, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। समस्या? हाँ। कुछ पैसे वैसे चाहिए, मेरे पास 5-10 हजार रखे हुए। अब कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी, हम आपसे पैसा लेंगे क्या? तो किसी ने धमकी दी है क्या? कौन धमकी देगा हमको, धमकी से हम डरते हैं? तो फिर बात क्या है, अगर तू कुछ बताएगा नहीं तो मेरी समझ में कैसे आएगा? हाँ, ये भी बात ठीक है, लेकिन यही तो समस्या है, बताएं कैसे? आप क्या सोचेंगी, दुनिया क्या सोचेगी? अब मटर बहुत गंभीर है। कोई लड़की पसंद आ गई क्या? उसे हम पसंद आ गए हैं। अब वो हमसे मैरिज बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें? मसाले लाले, अपना घर बसाले। दूसरों के लिए बहुत जिया तू, अब थोड़ा अपने लिए जी ले। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हैं तो मान लेते हैं। नमस्कार लाल बादशाह। ओ, आप हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम कैसे हैं? और कैसे लग रहे हैं आप, बोलिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हाँ? फैबुलस, टेरिफिक। हाँ बस हो गया। और चलते हैं, अपने पिताजी को हमारा नमस्कार बोल दीजिएगा। जी। बाय। टेरिफिक। अरे वहाँ बल्लू कहाँ गया, देखा क्या? कौन है आप, यहाँ कहाँ खड़ी हैं? मुझे लाल बादशाह से मिलना है।
और हमारा नाम लाल सिंह है, प्यार से सब लोग हमको लाल बादशाह बोलते हैं। बोलिए। अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे ये रो कह रही है। अरे रोती कहाँ है, बोली ना। मैं बहुत संकट और परेशानी में हूँ। नारायण सिंह नाम के एक बदमाश ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ना वो पैसा देता है ना ही जमीन देता है। आज उसने मेरे पति को धमकाया, अगर हमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो मेरे पति को जान से मार डालेगा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो सामने भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जाइए, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा। जाइए जाइए, हो जाएगा। सुनिए, क्या नाम बताया आपने? नारायण सिंह। हाँ नमस्कार। तो तुम हो लाल बादशाह, बोलो क्या चाहते हो? अरे हमको क्या चाहिए, सीके त्रिपाठी जी की पत्नी है कमला देवी, हमको मिली थी, कह रही थी कि ये जो तबेले की जमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, वो वापस मांग रही हैं। तो या तो जमीन का कागज दे दीजिए या पैसा वापस लौटा दीजिए, मैटर फिनिश कीजिए। तुम्हारे पहले वकालत करने भी बहुत आए थे, गोबर में दबाकर मार डाला। अरे लाल बादशाह, तुम तो भाड़े के 4-5 टट्टू को ले आओगे ना? अरे हमारे फैमिली में पूरे 65 मेंबर है, 65। साला एक एक लट मारेंगे ना तो तुम्हारी चिता यहीं की यहीं जल जाएगी। हमारे भांजे का नाम है विक्रम सिंह। हो गया आपका। अब तो सुनिए, हम बोलते हैं, ये जो आपका भांजा है, क्या नाम बोले आप? विक्रम सिंह। हाँ विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह के कान में थोड़ा हमारी बात भी बोल दीजिएगा। आप दोनों मामा भांजा जो हैं, अब मिल करके जमीन के बारे में थोड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। 7 दिन का टाइम हम आपको देते हैं, 7 दिन आपका, 8वां हमारा। चलते हैं, नमस्कार। अच्छा जी बल्लू जी, वहां क्या खड़े खड़े हिल रहे हैं? मामा जी माफ कर दीजिए, ये आदमी आपको जानता नहीं, मामा जी माफ कर दीजिए। हट भाग जा, विकी विकी नीचे जा। अरे बंद करिए अपना सिगरेट का धुआं, बंद करिए। मामा क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? अरे जिस तबेले का दूध पिला पिला कर तेरे को इतना बड़ा किया, आज उसी तबेले को ताला मारने आ रहा है वो। कौन? लाल बादशाह बोलता है साला अपने आप को लाल बादशाह। कितने लाल पीले नीले घूमते रहते हैं, बादशाह तो मुंबई शहर का एक ही है, विक्की विक्की बादशाह। थूक कर गया रे, वो तेरे नाम पर थूक कर गया। इसके पहले कि उसके हाथ तेरे मामा के तबेले पर पहुंचे, काट दे उसका हाथ, वरना हम दोनों की नाक कट जाएगी। क्या तक? फिक्र मत करो मामा, बोलो क्या पियोगे? खून पिला दे रे, खून। अरे विक्की, उस कमीने का खून पिला दे मुझे, तभी जाके तेरे मामा के इस दिल में ठंडक पहुंचेगी, समझा? जा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बोल दीजिएगा, काम हो जाएगा। लोगों ने जो कहा था वो कर दिया, मैं भी बस लाचार मजबूरों की तरह अपने स्वाग को मिटता हुआ देखती रही। उन लोगों ने मेरी मांग छोड़ दी, मेरे स्वाग की चूड़िया तोड़ दी, मैं विधवा हो गई। ये देखो मैं विधवा हो गई। ये सब क्या हो गया लाल बादशाह? Oh, my God.
देखिए, हम आपका खोया हुआ सुहाग तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन ये जो आपका आंसू है, इससे हम उस ससुरे का इतिहास मिटा देंगे। देंगे तो ससरे का गर्दन का गुठली हमारे हाथ में आ जाएगा। हट जाइए, हटिए। इसी ने आपका सिंदूर छीना था ना, आप इसका जिंदगी छीन लीजिए। मंगलसूत्र तोड़ा था आपका इसने, आप इसकी सांस तोड़ दीजिए और बता दीजिए दुनिया वालों को कि हिंदुस्तानी औरत पे जुर्म होता है तो वह कैसा रूप धारण करती है। सोच क्या रही है, खत्म कीजिए इसको, सजा लाल सिंह अपने माथे पर ले लेगा। लाल बादशाह, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं अरेस्ट वारंट लेकर आया हूं। लात मारकर इतना जोर से हमारा दरवाजा पटकेंगे तो वारंट ही लाए होंगे, वरना अंगुरी उठा करके कोई हमारा दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जानते हैं ना। आइए बैठे, थोड़ा चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। मैं यहाँ चाय पीने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। इस बार मैंने तुम्हारे खिलाफ इतने गवाह इकट्ठे कर लिए हैं कि अगर यमदूत भी चाहे तो भी तुम्हारा अरेस्ट वारंट कैंसिल नहीं करवा सकता। बेहतर यही होगा कि तुम नीचे जाते समय अपने आदमियों से कह देना कि वो शांत रहें, वरना खून खराबा भी हो सकता है।
अरे कैसा स्पिन है यार, वर्दी आप पहनेंगे, ये तमगा आप लगाएंगे, इतना बड़ा फौज लेकर आप आएंगे और मदद की भीख हमसे मांगते हैं? ये तो हम किसी को जबान दिए इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइए दीजिए, कहाँ है हथकड़ी, पहनाइए, चलिए। जो इस मां से अपने लाडले को छीन कर ले जाने की ताकत रखता हो, मां भवानी की कसम, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ए मां, ऐ कोई कलम जो सजा की स्याही तेरे लाल पे छिड़क सके, कोई गोली है क्या जो तेरे लाल के सीने को पार कर जाए? तेरे आशीर्वाद के सामने जितना टोपी वाले का हथियार है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आप चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए, अभी थोड़ी देर में ये लोग हमको खुदा ही यहां छोड़ जाएंगे। चरण स्पर्श करते बादशाह को खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल बादशाह गिरफ्तार। देखा कैसा बेबस पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है, कर ले अपनी दुश्मनी का हिसाब, निकाल ले अपनी भड़ास। मेरे मामा को मार डाला, जब्बर को भी मार दिया, जिसको जी में आएगा उसे मार दोगे? सारे शहर को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझता है तू? इन्हीं हाथों से मारा था ना मेरे मामा को, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है इसे, बादशाह, लाल बादशाह, सारे शहर का बादशाह, सिर्फ एक बादशाह इस शहर का, विक्की बादशाह, मैं हूं शहर का बादशाह, मैं। आपकी इस बेवकूफी पर हमको एक शेर याद आ गया, इतना मेहनत कर रहे, थोड़ा ब्रेक लेकर के सुन लीजिए। तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश ऐसी अलबेली, तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, और जैसे राजा भोज बने कोई गंगू डेली। पढ़ा लिखा मालूम पड़ते हैं। अगर
अगर अपनी बाप की औलाद है तो तनिक हमारा हथवा खोल दीजिए, फिर देखिए तमाशा। हम जिस बाप की औलाद है उसका नाम हमें मालूम है और अपने बाप के बाप का नाम भी हमें मालूम है, मगर तेरी क्या पहचान है, कौन है तू? ना बाप का पता ना खानदान का ठिकाना, पता नहीं किस बदचलन आवारा औरत का बाप है तू। कभी जाकर अपनी माँ से बाप का नाम पूछना, तब पता चल जाएगा तुझे तेरी असलियत का, असलियत का, असलियत का। हराम ज्यादा माँ को गाली देता है, हमारा खून का गाली देता है। सोला हमारी माँ को गाली देता है। छोड़ दो लाल बच्चा, वरना गोली मार दूंगा। चल, माँ को गाली देता है और तुम हाथ में तमंचा रख करके मर्दानगी दिखाता है। अरे आओ दोस्त आओ, कैसे हो? कुछ ठीक नहीं है यार। तो क्या बात है, बैठो तो सही। क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। तुम तो जानते हो ना हमारे मामा का खून हो गया, जितना पैसा खर्च होता कर, 25-50-1 करोड़ परवाह नहीं, जिस जिसको खरीदना खरीद ले, पर लाल बादशाह को हमारे मामा के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत ही होनी चाहिए। देख यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मेरे से ये काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें गवाह चाहिए ना, ये है वो गवाह। ये कोर्ट में गीता कुरान और बाइबल पर हाथ रख कर कसम खाएंगे कि हम मौका वारदात पर मौजूद थे और हमारी आंखों के सामने लाल बादशाह ने नारायण सिंह का खून किया। ठीक है, कोशिश करते हैं। यार वकील, हमारे पास पैसा है, गवाह है, तुम्हारे पास कानूनी ताकत है, अब अगर इसके बावजूद भी लाल बादशाह कोर्ट से छूट जाता है ना, तो हम दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है यार, तुम जैसा चाहते हो वैसे होगा, लाल बादशाह की कहानी इस शहर का इतिहास बन जाएगी। भाई, वकील को जितना पैसा चाहिए दे देना, काम हो जाएगा ना। अरे यार, तू इतना पैसा खर्च कर रहा है तो लाल बादशाह को तो क्या, मैं यमदूत को भी फांसी पर चढ़वा दूंगा। वाह डैडी वाह, जिस इंसान ने आपकी बेटी की इज्जत बचाई उसी इंसान की जिंदगी को मिटाने को तैयार हो गए आप। देखो बेटी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या जानते हैं आप, क्या जानते हैं आप? किसी के एहसान के बदले उसी की जिंदगी छीन लेना। होश में रहकर बात करो। होश तो आप खो चुके डैडी, दौलत की हवस में आकर। डैडी, आपकी थप्पड़ की एक गूंज हमेशा मेरे कानों में किसी शहनाई की तरह गूंजती रहेगी। हक और ईमानदारी की कमाई की एक चुनरी भी मुझे दहेज में देकर मुझे विदा कर देंगे ना, तब भी मैं बहुत खुश रहूंगी। अगर आपकी ये पाप की कमाई मेरे बसने वाले घर गृहस्थी को उजाड़ के रख देगी, आग लगा देगी। आग लगा देंगे।
सर आप टेंशन मत लीजिए, सर ऐसे बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ओके। अरे आओ वकील, लाल बादशाह के लिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है, यही खबर सुनाने आए हो ना? खुशखबरी ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अरे इसी तरह हमारा साथ देते रहोगे तो हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। बनाना मिटाना, मिटाकर बनाना, ये तो ऊपर वाले का खेल है जिसने ये दुनिया बनाई है, और हम उसकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। मैं लाल बादशाह की मौत नहीं, जिंदगी लेकर आया हूँ। ए वकील, हमारा नमक खाकर हमसे नमक हरामी? देश के नमक हरामों के साथ नमक हलाली बंद कर दी है मैंने। ए वकील के बच्चे, माइंड योर लैंग्वेज एसपी। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, लाल बादशाह के रिहाई के कागजात। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंद करो ये सब, अगर तुम में से कोई एक भी आगे बढ़ा तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। भाइयों, कोर्ट ने लाल बादशाह की जमानत दी थी लेकिन इस ऑफिसर ने वो कागजात फाड़ दिए हैं। फायरिंग का ऑर्डर देने से आप क्या समझते हैं, लोग गोली चला देंगे? आपके अंदर का इंसान अगर मर गया है तो आप क्या समझते हैं कि साथ साथ इन लोगों का जमीर भी मर गया है? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। ये वर्दी और तमगा जो आप लगाए हैं, इसका कीमत ईमानदारी के बाजार में आप मिट्टी में मिला दिए हैं, समझते हैं? अब यहां गोली नहीं जूता चप्पल चलेगा, और आपके लिए समझदारी यह होगी कि आप भागने का इंतजाम कर लीजिए। चलिए भागिए, और भागिए ना। मारो इसको! हम तो ऐसी घटनाओं के साथ बचपन से जुड़े थे और जुड़े रहेंगे, इसमें डरना क्या है? मुझे डर लगता है कहीं। ओहो देवी जी, देखिए ये जो डर नाम का कांटा है ना, इसे आप अपने जिंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए, वरना जिस दिन यह चुभेगा इंसान को बैठा देगा, मंदिर तक पहुंचने नहीं देगा। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो ये लोग न जाने क्या करते मेरे साथ। तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो मेरे लिए। कौन हो तुम बाबा, कहां से आए हो तुम, तुम्हारा ठिकाना क्या है बाबा? मेरे साथ चलोगे? चलोगे मेरे साथ? ये तुम क्या कह रहे हो विकी? हाँ डैड, बहुत चोटें लगी हैं अजीत को, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। कौन माई का लाल है जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की जरूरत की है? डैड परेशान मत होइए, आप यहाँ आ जाइए, मैं सब बताता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ बेटा। दर्द हो रहा है ना बेटा?
जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। तुम्हारा दर्द तो जिस्मानी है, लेकिन इस दिल पर जो चोट लगी है उसे मैं ही जानता हूं, क्योंकि जिस ठाकुर दयाल सिंह के खौफ और दहशत से सारा शहर कांपता है, उसी का बेटा आज नामर्दों की तरह मार खाकर आ गया। लालत है, और तुम तो अपने आप को इस शहर का डॉन कहते हो ना, तुमने क्या किया? हम कुछ नहीं कर सके डैड, क्योंकि लाल बादशाह को खत्म करने से पहले हमें लाखों सिनों पर गोलियां चलानी होंगी, इसलिए कि आज सारे शहर की एक ही आवाज है, लाल बादशाह। ये तुम कह रहे हो? लगता है तुम्हारी रगों में जोश मारता हुआ ठाकुर दयाल सिंह का खून बर्फ बन गया है। काट फेंको हर उस जुबान को जिस पर लाल बादशाह का नाम आए। मैं लाल बादशाह को हैवानियत का वो नजारा दिखाऊंगा जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप उठेगी। ठाकुर दयाल सिंह के खानदान के साथ गद्दारी क्यों? मेरे जमीर ने मुझे मजबूर कर दिया था। जमीर, तूने अंजाम की जरा भी परवाह नहीं की? वकील अंजाम पहले जानता है, कानून का पन्ना बाद में खुलता है। ठाकुर दयाल सिंह, तेरे केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। क्या मारा एसपी को लाल बादशाह ने? ये तो समाचार पत्र में आना। सुन, लाल बादशाह का घर यही है क्या? घर क्या, ये मोहल्ला पूरा शहर उनका है, और हम हैं उनके सेक्रेटरी बल्लू जी। अबे लाल बादशाह से जाकर कहो विक्रम सिंह के आदमी उसे मिलने आए हैं। मच्छर, अब तेरे की ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता, कहीं आपकी ऊंची आवाज उन्होंने सुन ली तो ये जबान जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहेगी। बल्लू जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, क्या हो रहा है? विक्रम सिंह के पिता ठाकुर दयाल सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? जी हाँ। और ठाकुर दयाल सिंह जी के जो दूठो बच्चा हैं, उनसे कहिए पहले उनसे जा करके मिले, या कुतिया के पिल्ले की तरह जो ऊट पटांग का हरकत करते रहते हैं इससे बहुत परेशान है हम। बहुत हो गया दादागिरी उनका, उनको समझाइए कोटा पूरा हो गया उनका। जाइए जाइए, लाल बादशाह जी गुंडों से नहीं मिलना चाहते। ठहरिए बल्लो जी, क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे, नहीं तो ससुरा समझेगा कि हम घबरा गए। आप चलिए, हम आते हैं। तुमने चल हट। लगता है डैड वो नहीं आएगा। हाँ ठीक कहते हैं आप, वैसे तो हम यहाँ आते नहीं, लेकिन हमने सोचा कि जिस बाप के बेटे इतने जानदार हैं, उनका बाप कितना शानदार होगा, चल के थोड़ा पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। सो आ गए। और ये ठीक कहते हैं ना? टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हमारी आपकी बहुत पुरानी जान पहचान हो। वैसे हमसे मिलने के बाद अच्छे अच्छों का होश ठिकाना हो जाता है, आंख से आंख लड़ते ही जान निकल जाती है, हमारा कुछ स्टाइल ही ऐसा है। वाकई ही बहुत जान है तुम्हारी इन आंखों में। हाँ, मगर इन आंखों में झांक कर मेरी जान में जान आ गई है। अगर पहले मिल गए होते ना तो हमारी जिंदगी ही बदल गई होती। देर आए दुरुस्त आए, लाइए मिलाइए हाथ। अरे भाई किस सोच में पड़ गए, हाथ मिलाओ, ये दोस्ती का हाथ है। इसीलिए तो सोच रहे हैं, देखिए दोस्ती करने में हमको बहुत टाइम लगता है। हाँ दुश्मनी का हाथ हो तो हम अभी हाथ मिला लें। अरे जनाब, वक्त के बादशाहों के साथ हम कभी दुश्मनी नहीं करते। जो वक्त और मुकद्दर का बादशाह हो उसके साथ दुश्मनी करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और उसके साथ दोस्ती करना बहुत बड़ी अकलमंदी की बात है। जिंदगी में पहली बार दयाल सिंह ठाकुर ने अपना दोस्ती का हाथ किसी की तरफ बढ़ाया है। पता इतना इमोशनल और सेंटिमेंटल काहे हो रहा है? ले लीजिए हाथ मिला लेते हैं, ऐसी क्या बात।
मैं अब तक घायल नहीं था, अब घायल हुआ हूं डैड, अब, और वो भी आपकी बुजदली की वजह से, वरना मैंने 5 साल का युद्ध है ये, आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया। यह हार आपकी नहीं, यह हार हमारी। बाप हूं तुम्हारा, इज्जत से बात करो। क्या इज्जत की बात कर रहे हो? ठहर जा। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको इज्जत का एहसास होता तो इस तरह दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने बेटे को यूं जलील नहीं करते। हमारे कारनामों से सारा शहर कांपता है डैड, सारा शहर, और आज आपने हमें हमारी ही नजरों से गिरा दिया है। बहुत अफसोस की बात है। बेवकूफ हो, नादान हो तुम दोनों। जो बात मुझे मालूम है वो तुम नहीं जानते। जानना चाहते हो तो सुनो। नादान मत बनो रणवीर सिंह। अरे तुमने तो कुछ ही साल गुजारे हैं राजा साहब के साथ। मैंने तो तमाम उम्र उनके साथ गुजारी है। अरे छोड़ दो ये जनून वनून वफादारी का। हाँ, हम तीनों मिलकर इस सारे खजाने को बांट लेंगे। अकल से काम ले रणवीर सिंह, हमारी बात मान ले, सारी जिंदगी ऐशो आराम से बीतेगी। रात के अंधेरे के साथ अपनी काली करतूतें भी दफन कर दो। मुझे बेईमानी और बेईमानों से सख्त नफरत है। रणवीर सिंह, देखो रणवीर सिंह, ईमानदारी और वफादारी जमाने की रफ्तार के साथ साथ दफन हो चुकी है। हर तरफ लूट मची हुई है। इंसान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, दौलत, दौलत और दौलत। आप चाहते हैं कि दौलत के लिए हम बिक जाएं, अपना जमीर बेच दें, बरसों से की हुई राजा साहब के साथ वफादारी का गला घोंटते हैं। रणवीर सिंह अपनी गर्दन काट कर आपके सामने रख देगा, पर ऐसा करेगा नहीं। आप दोनों कहीं और पधारिए। मौत की आंधी को आज तक कोई नहीं रोक पाया रणवीर सिंह, तुम भी नहीं रोक पाओगे। रोकने को तो हम तुम्हारी रगों में उतर कर तुम्हारे खून की एक एक बूंद रोकते हैं। घूमती जमीन को रोक कर दौड़ता हुआ आसमान रोकते हैं। अपनी वफादारी के लिए सारा जहां रोकते हैं। अगर महाराज को एक हल्की सी खरोंच भी आई तो हम तुम दोनों के सीने में मौत की कील ठोक देंगे। जगत सिंह, राठौर, कहां मर गए सबके सब? महाराज, तुम जी, मैं। सुल्तान भाई साहब, इतिहास इस बात का गवाह है, ताजो तख्त के लिए भाई ने भाई का खून बहाया है। आज से इस सारी रियासत के मालिक हम हैं। हम नहीं, मैं, सिर्फ मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खात्मा कर दो इसका। रणवीर सिंह बाहर निकल। यह तुम्हारी मौत की लकीर है दयाल सिंह, इसे पार करने की कोशिश की तो तुम्हें दुनिया से पार कर दूंगा। रणवीर सिंह, मेरी आंखों में देख, तुझे तेरी लाश दिखाई देगी। खजाने की हवस ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया दयाल सिंह। मैं जानता हूं तूने राजा साहब का खजाना कहीं छुपा दिया है। तेरी मौत के बाद मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तेरी उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन वो खजाना तो ढूंढ नहीं सकेगा। हाँ, तेरे जीते जी नहीं, तेरे मरने के बाद। रणवीर सिंह,
राम से बचाना रावण, कृष्ण से बचाना कंस, मुझसे क्या बचेगा ठाकुर, तू और तेरा वंश। इसे उठाकर नदी में फेंक दो। इतना खून खराबा होने के बाद भी मैं आज तक उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन आज लाल बादशाह को मिलने के बाद मुझे अंधेरों में रोशनी दिखाई देने लगी है। उसके बाप को तो मैंने मार दिया था, पर उसकी मां जरूर जिंदा होगी। अब तुम देखते जाओ मेरा खेल। मुबारक हो राजा साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो ठाकुर साहब। जी ठाकुर साहब मुबारक हो। हाँ जी, पहली बार आपको देखा है किसी का इंतजार करते हुए। केड़िया साहब, हम तो अपने काम में किसी लगन मुहूर्त का इंतजार नहीं करते, लेकिन कोई है ऐसा जिसने आज हमें इंतजार करने पे मजबूर कर दिया है। कौन है वो? लाल बादशाह। न तख्त है न ताज है, दिलों पे जिसका राज है, जमीन पे जिसके पांव, आसमां पे निगाह है, ये सबका लाडला है, ये लाल बादशाह है। हाँ लाल बादशाह है। कहिए बोलो जी, ठीक कहते हैं ना? बिल्कुल ठीक कहते हैं। और तो हिलते कहाँ हैं? कहिए लाल बादशाह जी, बहुत इंतजार करवाया आपने। अच्छा मिस्टेक आपा ही का है ना जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओह देखिए, इंतजार पे हमको इतना बढ़िया सिर याद आ गया है। जी इरशाद। हाँ, उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन। उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, और द्वार जू में कर गए दो इंतजार में। अरे तो पढ़ा लिखा आदमी मालूम पड़ते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया शेर बोला है साहब आपने। क्या वाह वाह कर रहे हैं डैड, ये तो बहुत पुराना शेर है। पता हमने कब कहा कि नया है, हम तो कह रहे हैं कि बहुत पुराना शेर। जाने दीजिए, बताइए आप क्या लेंगे, रम, विस्की, बियर, शैंपेन? नहीं नहीं नहीं, शराब हम नहीं पियेंगे। और शराब पिला करके आप हमारा क्या करना चाहते हैं? ना शराब हम नहीं पिए, बहुत जल्दी चढ़ जाता है हमको। अरे भाई चढ़ने दो, शराब चढ़ने के लिए ही तो होती है, लो पियो। और देखिए दयाल सिंह जी, अब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या है कि शराब पीने से हमारा जो सिस्टम है वो ठीक है, ले लेते हैं। पी लो, आज की रात जश्न की रात, शराब का नशा, शबाब का जलवा, कौन दुश्मन कौन दोस्त, अरे कौन तुम कौन हम, भूल जाओ सब कुछ, पियो लाल बादशाह पियो। ठीक है पी लेते हैं। तुम्हारा था, लेकिन थोड़ा टाइम इसने मेरे पास काम किया था। इसकी हत्या के बारे में जान के हमें बहुत दुख है। दुश्मनी अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। इस वक्त हम अकरम पठान को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। शंकर कलार, जो जुर्म कानून के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता उसे बलराज राणा अपनी किताब में लिख लेता है, और फिर उस जुर्म का फैसला वो खुद करता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ जी, मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं,
तो भला आप मुझे कैसे पहचानेंगी? खैर कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय आपको खुद ही देती हूँ। मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। मैं उदय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। जरा मैं भी तो देखूं, इस घर की होने वाली बहू है कौन? समझ गई, आप उदय के भैया और आप भाभी है ना? पाई लागू, उदय आप दोनों की बहुत तारीफ करता है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारी और उदय की ये लव स्टोरी शुरू कब हुई? आउटडोर में, जैसे कि फिल्मों में होता है, हीरो हीरोइन पहले हिल स्टेशन में एक दूसरे से टकराते हैं, फिर प्यार हो जाता है, और यू नो बाद में गाना वाना तो वो गाते ही है। आउटडोर में मुलाकात भी हो गई, प्यार भी हो गया, कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट भी आ गया, और उदय के बच्चे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी पूछता हूँ उदय से। उदय, उदय भैया मैं यहाँ हूँ। हाय। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहो, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने अपने और तुम्हारे बारे में भैया भाभी और माँ को सब कुछ बता दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी उदय। I'm sorry भैया। I'm also sorry भैया। लेकिन ये तो इत्तफाक की बात है ना, कि हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन अब जाने भी दीजिए ना, जो होना था सो हो गया। हाँ बेटे, इसमें नाराज होने की क्या बात है, तू चाहे कुछ भी बोल, मुझे बहू बहुत पसंद है। बात पसंद और नापसंद की नहीं है माँ, बात उसूल की है। उल्लू के पट्टे, प्यार करना जुर्म नहीं है, करके छिपाना जुर्म है, और भाई से छिपाना तो बहुत बड़ा जुर्म है। भैया इसका मतलब आपको नेहा पसंद नहीं, मतलब तुम्हारी पसंद नंबर वन है। थैंक यू भैया, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि सीने उल्टा हो गया। खैर बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। अच्छा भैया। नमस्ते अन्या भाऊ। नमस्ते। आपने तो मुझे बलराज राणा से मिलवाया नहीं, लेकिन आज मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम कहोगे कि मैं बलराज राणा कंपनी का वफादार हूँ। अगर ऐसा बात है तो अपुन तेरे को बलराज भाई से मिलाएगा। वो तो ठीक है, मगर मैं जो खबर लाया हूँ उसकी कोई कीमत भी तो होनी चाहिए। अगर खबर काम का हुआ और सच्चा हुआ तो तेरे को जितना पैसा मांगता है ना उतना मिलेगा। अक्रम पठान का रोल शंकर कलाल के कहने पर उसके भाई नंदू कलाल ने फिनिश कर दिया। नंदू कलाल। हेलो, मैं अन्या कोली बोलता है। तेरा भाई नंदू अभी अपुन के पास है, उसको शमशान पहुंचाने का इंतजाम कर ले। अन्या, देखो अन्या, तेरी और बलराज राणा के दुश्मनी मेरे साथ है, तूने मेरे भाई को क्यों उठाया? चाइला अक्रम पठान का खून भूल गया तो? देख अन्या, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे और बलराज राणा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे फड़विया, फोन पर गला फाड़ कर अपना बीपी मत बढ़ा। अपने भाई को लास्ट टाइम जिंदा देखना चाहता है ना तो बलराज राणा के फार्म हाउस पर आ जा, समझा के नहीं? अन्या, क्या बात है भाई? बलराज राणा ने नंदू को किडनैप कर लिया, चलो जल्दी। क्या बिगाड़ा तुम्हारा मेरे भाई ने? छोड़ दो उसे। अक्रम पठान ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो भी मुझे भाई की तरह प्यारा था। शंकर कलाल, समझ में आ गया कि मैंने तुम्हें क्यों यहां बुलाया है? तुम गलत कर रहे हो बलराज राणा, अक्रम पठान को मेरे भाई ने नहीं मारा। हाँ, नहीं मारा।
चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा शंकर कलाल, तुम्हारे भाई की मौत का फैसला हो चुका है। तुम्हारी बात तो समझ गया पेप्लो गोंडो, लेकिन बलराज राणा हथियारों का धंधा करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। ये तुम कैसे बात करता है विठल राव? मैं तो ये समझता था कि बलराज राणा एक मोहरा है जिसका रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे गैंग के सारे फैसले बलराज राणा करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पेब्लो साहब, आज जब बात निकल ही गई है तो नटवर बनासी भी चुप नहीं रहेगा। विठल भाई को सीढ़ी बनाकर बलराज राणा खुद तो बन गया है अपराध जगत का बेताज बादशाह, और हम सबको बना लिया अपने हाथ का कठपुतली। तो इसका मतलब उसके सामने तुम्हारा पोजीशन कुछ भी नहीं, यू आर नथिंग बट अ बिग जीरो। नहीं पेप्लो गुंडो नहीं, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी गधे को भी अपना बाप बनाकर उसका पैर छूना पड़ता है। सीबीआई वालों ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी, मैं किसी भी वक्त लफड़े में आ सकता था, इसीलिए मैंने बलराज राणा को अपनी कुर्सी पर बिठाया। ओह, आई सी। रही पोजीशन की बात, तो गुरु और चेले के रिश्ते से मैं बलराज राणा का बाप लगता, और बेटा चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए वो बाप से बड़ा नहीं हो सकता। बलराज राणा आज जो कुछ भी है वो मेरी वजह से। तो फिर तो वो तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। तुम ऐसा करो, उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं उसको आर्म्स डीलिंग के लिए कन्विंस करेगा। ठीक है, डोंट वरी, 50 करोड़ का हवाला हमारे लिए बड़ी मामूली सी बात है। अब कह दीजिए नेताजी से कि रुपया वक्त पर दिल्ली पहुंच जाएगा। हाँ बलराज भाई, बलराज भाई, यह मिस्टर पेब्लो गुंडो। नाइस मीटिंग है मिस्टर राणा। बलराज भाई, मिस्टर गोंडो का नाम तुमने तो सुना ही होगा। इच्छा इला, गोंडा साहब को कौन नहीं जानता, इंटरनेशनल मार्केट में हथियारों का सबसे बड़ा डीलर ही है। थैंक यू, हम आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाया मिस्टर राणा। आप तो जानता ही है कि हथियारों का होल वर्ल्ड में डिमांड बहुत बढ़ गया है। मिस्टर राणा, आप तो जानता है कि आरडीएक्स स्टैंडगन का इस्तेमाल आजकल इंडिया में खुलेआम हो रहा है, और अब इलेक्शन के टाइम इनकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच डेडली वेपन्स। बट व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड राणा साहब, आप इस एरिया के डॉन हैं, हवाला रैकेट के नंबर वन किंग हैं, एशिया में आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, इसमें बहुत प्रॉफिट है, यू कैन अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स। शट अप। घर आए हुए मेहमान की इज्जत करना हमारी तहजीब है, इसलिए तुम्हें यहां से जिंदा जाने दे रहा हूं। बेटा गेट ऑफ फ्रॉम हियर। इसमें नाराज होने की क्या बात है मिस्टर राणा, अगर आपको आर्म जिलिंग नहीं करना है तो मैं किसी और को ऑफर कर दूंगा। हरगिज नहीं, अवाम के कत्ले आम का सौदा मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं करने दूंगा। बेहतर है तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। बलराज भाई, इस कंपनी में अपनी कोई औकात है कि नहीं? तुमने बोला हफ्ता वसूली बंद करने को, अपुन ने वसूली बंद कर दिया। तुमने बोला ड्रग्स का धंधा बंद करने को, अपुन ने धंधा बंद कर दिया, पर ये सब कब तक चलेगा? हे विठल राव, मेरे को लगता है तेरा खोपड़ी सटक गया है। पिच्चा इला, वो तो बलराज भाई ने अच्छा किया जो पेप्लो गोंडा का ऑफर टुकड़ा दिया। हे अन्या, तू चुप कर। जिस औरत के माथे पर वेश्या का लेबल चिपक जाता है वो सारी जिंदगी वेश्या ही रह जाती है, चाहे वो लाख पूजा पाठ करे सावित्री नहीं बन सकती। हम गुंडे लोगों की जिंदगी वेश्या के माफिक है,
चाहे हजार अच्छाई का काम करे, कभी अच्छे नहीं बन सकते। बेहद ही घटिया और बेहुदा आदमी हो तुम। तुम्हारी इन गंदी दलीलों पर मैं अपने असूल नहीं बदल सकता। मैं पूछता हूँ कि हथियारों का धंधा करने में या ड्रग्स बेचने में बुराई क्या? हवाले का धंधा भी तो गैर कानूनी है। हवाले के धंधे में हम किसी का कत्ल नहीं करते। तो फिर ये कुर्सी छोड़ो और संन्यास ले लो। तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें ये कुर्सी पर मैंने ही बिठाया। उंगली पकड़कर क्राइम वर्ल्ड का ABCD तुम्हें इसलिए नहीं सिखाया कि तुम मेरे ही बाप बनकर मेरे को ऑर्डर करेगा। तुम्हारी औकात क्या है? अगर मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ नहीं लगाता तो आज तुम जेल की काल कोठरी में सड़ता रहे। ने तुम्हारे फेस पे जो थप्पड़ मारा था उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है विठल राव। तुम ये सोचो कि उसको खलास कैसे करेगा और फिर उसके बाद हमारे साथ आम डीलिंग का बिजनेस करके मल्टी मिलियनेयर बनने का सोचो। सोचो मैन, सोचो। गोंडो साहब इज राइट, लेकिन बलराज राणा का रोल खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। उसका रोल फिनिश करने के लिए तुम्हें शंकर कलाल से हाथ मिलाना होगा। ए डांडेकर, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। शंकर कलाल हमारा दुश्मन है, वो हमसे हाथ क्यों मिलाएगा? अरे पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड में हालात के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी हो जाती है। यहाँ कल का जानी दुश्मन आज का वफादार दोस्त भी बन सकता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है डांडेकर। बलराज राणा और विठल राव के बीच अगर दुश्मनी हो गई है तो समझो हमारा काम और भी आसान हो गया है। इसी दुश्मनी में किसी एक का रोल फिनिश हो जाएगा। विठल राव के एहसान के बदले में बलराज राणा ने उसे तमाचा मारा है। विठल राव उसे छोड़ेगा नहीं। फिलहाल तुम बलराज राणा के बारे में सोचो, जो पूरे एशिया में हवाला धंधे का बेताज बादशाह माना जाता है। करोड़ों की हेरा फेरी करता है वो। हाँ, तुम्हें अपना नाम ऊपर लाने के लिए उसके नाम और काम दोनों को तबाह करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा मंत्री जी ने, इसलिए तुझे विठल राव के साथ समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साला विठल बलराज राणा का हर सीक्रेट जानता है। हाँ क्या उस हरामी की औलाद के साथ मैं समझौता कर लूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता दांडेकर। अरे यार, अकल का दरवाजा खोलकर मेरी बात को अपनी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर। दुश्मनी दिल में रखकर भी दुश्मनों से हाथ मिलाया जा सकता है। हाँ, माफ कर दूं? अपने दुश्मनों को तो शायद मैं कभी माफ कर दूं, लेकिन वतन के दुश्मनों को नहीं। डोंट किल मी। मैं कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं। नहीं।
प्रणाम। अरे अरे कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया। बड़े दिनों के बाद भैया की याद आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय ने आने से मना कर रखा हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, और मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि अजय भैया के कहने से मैं आपसे नहीं मिलूंगा। घर में सब कैसे हैं? माँ, भाभी, पिंकी सब आपको बहुत याद करते हैं। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है भैया। एक काम कर, तू ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं तुम्हें स्टेट्स भेजूंगा। थैंक यू भैया। अरे तू किसी खास काम या किसी जरूरत के लिए तो नहीं आया? नहीं भैया, आपको याद होगा कल बाबूजी का श्राद्ध। बाबूजी का श्राद्ध मैं कैसे भूल सकता हूँ? माँ ने कल घर आने के लिए कहा भैया। माँ से कहना मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं चलू? अरे अभी आए हो, अभी जाने की बात कर रहे हो, रात का खाना आज मेरे साथ खा के जाओ। नहीं भैया, आप तो जानते हैं खाना माँ के साथ ही खाते। ठीक है, माँ को मेरा प्रणाम कहना और सबको मेरा प्यार देना। प्रणाम भैया। जीते रहो। दया से बाबूजी आप बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो ठीक है बेटा, पर ये तने बड़ा अच्छा किया जो तू इलाज के लिए मुझे शहर में ले आया है। अजय बेटा, बहुत दिन हो गए, अब हमारा गांव जाने का इंतजाम करवा दे। इतनी जल्दी गांव जाने की क्या जरूरत है बाबूजी? आपकी तबीयत ठीक हो गई है मगर कमजोरी अभी भी है। आप एक काम कीजिए, 2-3 महीने यहाँ आराम से ठहर जाइए, फिर गाँव चले जाइए। 2-3 महीने? हाँ बाबूजी, आप कुछ दिन रह जाइए, मैं गाँव चला जाता। पर मैं? आप क्यों जाएंगे भैया? अरे मैं भी यहाँ रुक गया तो फिर गांव में खेती बाड़ी कौन देखेगा? ये सब मैं नहीं जानता बाबूजी। एक केस के सिलसिले में मुझे कोर्ट में जाना है, शाम को घर में चैन से इस विषय में बात करेंगे। ठीक है भैया, बाबूजी को घर ले जाइए, मैं चलता हूँ। अच्छा बाबूजी। ठीक है बेटा, आइए। ठीक है। अच्छा बाबूजी, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा बेटा। समझाना बेटा राव, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। एक ही हफ्ते में अब उनका ये तीसरा छोकरा है जिस पर शंकर कलार और भीम कलार के छोकरों ने हमला किया है। हाँ बिठल भाई, बाबू टकले की जान तो बच गई है, लेकिन मालूम है डॉक्टर ने क्या कहा है? अब कलाई वो अपना पैसे चल नहीं सकेगा। अच्छा है भीम कलाल और शंकर कलाल खुलकर मैदान में आ गए। अंडर वर्ल्ड में अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग ना हो तो गेम खेलने का मजा नहीं आता। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं शंकर कलाल का बड़ा भाई भीम कलाल। तुमने मेरे भाई को गिरफ्तार करवाया और मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता है तुम इस शहर में नया है, तुमको मेरे नाम और काम के बारे में कुछ पता नहीं होगा। चाहता तो मैं तेरे को अपने पास बुला सकता था, लेकिन मेरी इंसानियत देखो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया समझाने के लिए कि दूसरों के लफड़े में पड़कर अपनी जिंदगी खतरे में डालना कोई अकलमंदी नहीं है।
क्या कहना चाहते हो तुम? ये बंबई बहुत खतरनाक शहर है। यहाँ आंख और कान खुला रखने का, पर जुबान हमेशा बंद रखने का। तुम्हारी गवाही से मेरे भाई को सजा भी लग जाए तो तुम्हें क्या फायदा? सरकार की तरफ से तुम्हें कोई पद्मश्री नहीं मिलने वाला। तुम शरीफ आदमी हैं और शरीफ आदमी को वेश्या की कोटे से, शराब की अड्डे से और गुंडों की लफड़े से दूर रहना चाहिए। ले रो बैगला। जी भाई, ये लो। इसमें पूरे 5,00,000 रुपए हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं। कोर्ट में गवाही देने का ख्याल दिल से निकाल दो और अपने माता पिताजी को साथ लेकर वापस गांव चले जाओ। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारा जवाब तो मुझे मिल गया, लेकिन अब जो जवाब मैं दूंगा वो तुझे बहुत भारी गिरेगा, बहुत भारी। गेट आउट यू रास्कल, गेट आउट। पेश किए गए सबूत और चश्मदीद गवाह बलराज सिंह राणा के बयान से यह बात साबित हो चुकी है कि शंकर कलाल ने विठल राव को जान से मारने की कोशिश की, जो कि एक संगीन जुर्म है। इसलिए यह अदालत मुलजिम शंकर कलाल वल्द जगदीश कलाल को इंडियन पिनल कोड की धारा 307 के तहत मुजरिम करार देते हुए 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म देती है। तुम इतने सालों से यहाँ कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? ये तो सच है भैया कि ये शहर इंसानों का जंगल है। मैं भी जब यहाँ ट्रांसफर होकर नया नया आया था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, मगर धीरे धीरे आदत। अब गांव शहर की जिंदगी में फर्क तो होगा ही भाई साहब। जो शांति गांव में मिलती है वो यहाँ नहीं मिल सकती। खैर बाबू जी, आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा। ओ बेटा, तुम मेरी चिंता ना करा कर, ध्यान तो तू रखा कर अपना। दिन रात गुंडे बदमाशों से वास्ता पड़ता है तेरा। बाबूजी, अजय, बाबूजी को संभाल। चल, निकल ला।
भैया मुझे आपको यहां इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है। अजय जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं। अगर बाबूजी के हत्यारे को मैं जिंदा जाने देता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता था। अब कानून मुझे उम्र कैद की सजा सुना दे या फांसी के फंदे पर चढ़ा दे, मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं। पर मेरे को तुम्हारी परवाह है बलराज भाई। मर्डर केस में अगर आई विटनेस ना हो तो केस अंधे कानून के माफिक कमजोर हो जाता है। बलराज भाई ने भीम कलाल को मारा ये किसी ने नहीं देखा। बलराज भाई ने मेरी जान बचाई इसीलिए मैं उन्हें कानून से छुड़ाने आया। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब को बेल ऑर्डर बताना। ये लीजिए। गायतों दे, छोड़ दो इसे। मेरी लाइफ का स्विच ऑफ होने से बचाकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया बलराज भाई, इसीलिए मैंने तुम्हें जामीन पर छुड़ा लिया। अभी डरने का नहीं, इंडिया में मर्डर केस का फैसला जल्दी नहीं होता है, तब तक कोई ना कोई गेम करके जज को पटा लेंगे, लेकिन तुमको सजा नहीं लगने देंगे। बलराज भाई, अब आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? ईश्वर ने मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया, अब मैं अपनी मां को साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम जिधर भी जाओगे कलाल कंपनी के लोग मौत बनकर तुम्हारा पीछा करेंगे, और मौका मिलते ही तुमको खलास करने को ट्राई करेंगे। तुम्हारे पिता का खून एक एक्सीडेंट था, वो लोग का टारगेट तुम थे और तुम अभी तक जिंदा। अगर तुम गांव चले गए तो वो लोग तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे भाई पे हमला कर सकते हैं। इस ससुरी मुसीबत तोहरा परिवार के साथ जुड़ गई है बलराज भाई, कोई भी कहीं भी टपक सकता है। अब तोहरा कलाल कंपनी के लोगों से मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। अगर तुम जीना चाहते हो और अपनी फैमिली को मरने से बचाना चाहते हो तो इसे अपना साथी बना। बदनामी रक्षे माचल माचल आयुष्मान भव। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्ववस्ताम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षां सवाभ्यांतर सुचि। ओम पुंडरीकाक्षां कुनातु, ओम पुंडरीकाक्षां कुनातु। ओम अद्यत्तस्य ब्राह्मणो हिम द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराकल्पे जम्मूदीपे भारत वर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते मासानाम उत्तमे मासे कुमार मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथौ पिंड संकल्प मम पिता श्राद्ध पूजां करिष्याम। यजमान जी, पिंडों पर जल सिंचन कीजिए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब दूध और मधु से पिंडों का प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। ओम पह पृथिभ्याम पयो अशो दिशु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदीसतु संत महियम मधु द्योरस्तिनः पिता। ओम मधु मधु मधु। अपने कान पर खुश रखिए। अब पिंड को अपने हाथों में लीजिए। नमो वह पित्रो जीवाय नमो वह पित्रो घोराय नमो वह पित्रो पिंडाय नमः। पाद्यो पाद्यम अस्ते अर्घम मुखे आचमनीयम समर्पयामि। आप लोग पुष्प अपने हाथों में लीजिए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहान परमेश्वर। आप लोग अपने स्वर्गीय पिताजी को पुष्प समर्पित कीजिए। ओम पित्राय नमः पुष्पम समर्पयामि। बहुजी, एक पात्र में दूध लेकर आइए। जी, लाती हूँ। माँ जी, आप थोड़ा सा गंगा जल ले आइए।
लाती हूँ पंडित जी। आप लोग अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। कैसे भैया? डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? ठीक तो है ना? माँ जी चिंता की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। होश आने के बाद आप अपने बेटे से मिल सकती हैं। बैठ जाओ माँ। मिस्टर अजय एक मिनट। नहीं बैठाओ। यस देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 8 घंटे के अंदर अगर बलराज राणा को होश आ गया तो बच सकते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। लेट अस वेट एंड सी। बलराज राणा को टपकाने में कोई मिस्टेक नहीं किया, पर 20 गोलियां खाने के बाद भी वो साला मरा नहीं। इसमें उनका क्या गलती है? गलती है, पुलिस वालों को गोलियों का हिसाब देना पड़ता है। तूने गोलियां चलाने में क्यों कंजूसी की? तेरे को इधर गोलियों का हिसाब देना था क्या? सर से पैर तक साले को भून क्यों नहीं डाला? अभी तक तो वो साला जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। अगर वो बच गया ना तो हम सब के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम मैं उसको छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम किसने देखा है? आधा गेम बजाकर तूने हम सबको लफड़े में डाल दिया। विट्ठल भाई, विट्ठल भाई प्लीज मेरे को माफ कर दो। विट्ठल भाई अभी अपने से दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगा। विट्ठल भाई प्लीज प्लीज विट्ठल भाई। Thank you.
आजकल हुलिया बता देने से कंप्यूटर में फोटो बन जाता है, इसीलिए मैंने इसका मुंडन कर दिया। अब इसको कोई नहीं पहचान पाएगा। यार उदय, उस कातिल का चेहरा तो तूने देखा होगा। अच्छी तरह याद है, मैं तो को हजारों के बीच में भी पहचान लूंगा। नमस्ते माँ जी। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ। माँ जी, सर से मिलना है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मैं आपसे बलराज राणा केस के सिलसिले में कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। कहो क्या बात है। सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि विठल राव, जो कुछ दिन पहले तक बलराज राणा का दोस्त था, आजकल उसकी शंकर कलाल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, दोस्त जब दुश्मन से दोस्ती कर ले तो फिर दोस्त नहीं रहता। मेरे ख्याल से बलराज राणा पर जो कातिलाना हमला हुआ है उसके पीछे शंकर कलाल के साथ साथ विठल राव का भी हाथ है। अगर आप कहें तो मैं दोनों को गिरफ्तार कर लूं। किस बुनियाद पर तुम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हो? किस बुनियाद पर? हमारे पास उनके खिलाफ न कोई सबूत है न कोई गवाह है। आज तुम उन्हें अरेस्ट करोगे, कल वो कोर्ट से बेनिफिट ऑफ डाउट पर छूट जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे उनका, कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने बड़े भैया को जान से मारने की कोशिश की उसे कानून कभी नहीं पकड़ पाएगा। तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है उदय। अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, उसका अंत कानून के कदमों में ही होता है। कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं भैया जो अपने पीछे जुर्म का निशान कभी नहीं छोड़ते। ये शंकर कलाल और विठल लाल उन्हीं में से एक है। भैया अगर आप सबूत और गवाह के भरोसे बैठे रहे तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे मैं तो कहता हूं भैया, उन दोनों को उठाकर लाइए, लॉकअप में डालिए और इतना मार मारिए कि वो खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर ले। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ। भैया मैं आपको कोई ड्यूटी नहीं सिखा रहा हूँ, मगर सच तो ये है कि आप इस केस में कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिस आदमी के सीने में गोली लगी है वो आपका सगा भाई होते हुए भी आपका भाई नहीं है। वो आपकी नजर में सिर्फ एक मुजरिम है, सिर्फ एक मुजरिम है वो। उदय, ये क्या बकवास कर रहा है? बड़े भाई से कोई इस तरह बात करता है? अजय बलराज से नहीं, उसके पेशे से नफरत करता है। तू क्या समझता है बलराज के साथ जो कुछ हुआ उसका दुख इसे नहीं है? इसे कुछ मत कहो मां, आज ये जो कुछ भी बोलना चाहता है इसे बोल लेने दो। देखिए, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये तो अभी बच्चा है। आपको देर हो रही है, आप ऑफिस जाइए। नहीं सुझाता, इसने जो कुछ कहना था वो तो इसने कह ही दिया। अब कुछ बातें मैं भी इसे समझा दूं। देखो उदय, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में जो गलत फहमी है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह बात भी सच है कि मेरे और बलराज राणा के बीच पुलिस और मुजरिम का रिश्ता है, सिर्फ पुलिस और मुजरिम का। क्योंकि मेरे लिए खून के रिश्ते से ज्यादा अहम, ज्यादा अजीज मेरा अपना फर्ज है। बलराज राणा के साथ जो कुछ भी हुआ यह उनके अपने कर्मों का फल है, क्योंकि जो लोग दूसरों की छाती पर गोलियां बरसाते हैं एक दिन उन्हें अपने सीने पर भी गोलियां खानी पड़ती हैं। यही इस दुनिया का उसूल है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चलो गौतम। अबे प्रताप कलाल बोल रहा हूं, प्रताप कलाल। अबे किधर है तेरी हीरोइन? साला उसके इंतजार में पूरी बोतल खाली कर दी मैंने, अभी तक नहीं आई वो। अभी तेरे को बोला ना कि तेरे फाइनेंस का बंदोबस्त कर डालूंगा मैं, तो कर डालूंगा। तू मेरे ऐश का इंतजाम कर डाल, मैं तेरे कैश का इंतजाम कर डालूंगा। हे सुन, लगता है सुंदरी आ गई, तेरे से बाद में बात करता हुआ। हे राजू। हाँ भाई। जा जाके दरवाजा खोल, लगता है मेरी सुंदरी आ गई है। खोल दो भाई। Come on!
निकाले कितना मारना है। मैं प्रताप कलाल शंकर कलाल का भाई हूं, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। साले हिजड़े, धमकी देता है, अबे क्या बिगाड़ेगा तू और तेरा भाई। अगर तू शंकर कलाल का भाई है तो मैं भी बलराज राणा का भाई हूं। चल तेरे भाई को फोन लगा, मेरा फोन लगा था। बलराज राणा का इस गंभीर हालत में बचना बहुत मुश्किल है, उसका रोल जरूर फिनिश हो जाएगा। हेलो भाई साहब, मैं प्रताप बोल रहा हूं। क्या बात है प्रताप, कहां से बोल रहा है तू? अरे इतना घबराया क्यों है तू? मैं जब मौत सामने खड़ी होती है ना शंकर कलाल, तो बड़े बड़े भाइयों की बोलती बंद हो जाती है। कौन है तू? बलराज राणा का भाई उदय। मेरे भैया को कुछ हो गया ना शंकर कलाल, तो तेरे भाई की लाश का गिफ्ट पैकेट बनाकर मैं तेरे पास भेज दूंगा। क्या बात है, किसका फोन था? बलराज राणा के भाई उदय का। उस हराम के पिल्ले ने प्रताप को किडनैप कर लिया। यशवंत जी भाई, गाड़ी निकाल। शंकर भाई, अबे छोड़ो मुझे, रास्ते में बता रहा बस। लेकिन इतनी हिम्मत जो मेरे भाई को उठा लिया, सारे का पूरा खाता संभाल कर दूंगा। होश में आ जा शंकर, जोश में आदमी गलती कर बैठता है। शंकर भाई तुम परेशान मत हो, हम लोग है ना। अरे तुझे क्या लगता है कि उदय ने प्रताप को अपने घर में छिपा कर रखा है? अरे उसके घर में नहीं तो कम से कम बलराज राणा के बंगले में होगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। मुझे छोड़ दो मुझे। पागलपन मत कर, शहर में रेड अलर्ट है, कर्फ्यू लगा हुआ है, चारों तरफ नाकाबंदी है, कहां जाएगा तू? शंकर भाई दांडेकर साहब ठीक कह रहे हैं, शहर में गैंगवार शुरू हो चुका है। हाँ शंकर भाई, पूनम बियर बार में बलराज राणा के आदमी लोग ने अपने पांच छोकरों को टपका डाला, इस टाइम तुम्हारा बाहर जाना बहुत डेंजरस है। और फिर तुम क्या चाहते हो कि यहाँ बैठकर अपने भाई के डेड बॉडी का इंतजार करूं? सुन शंकर, तेरा भाई भी मेरे भाई जैसा है, और मेरे होते हुए वो साला उदय उसका रोल फिनिश नहीं कर सकता। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, कहीं भी आसानी से जा सकता हूँ। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि उस साले उदय ने प्रताप को कहाँ छिपा कर रखा है। हाँ डांडेकर ठीक कह रहा है, ये काम उसे करने दो, तुम जाओ। ओके मैं चलता हूँ। चलो क्या रे यम सिंह, तेरे को पेक बनाने को नहीं आता? अखा सोडा डाल दिया। सॉरी साहब, अभी बनाता हूँ। थोड़ा विस्की डाल। लो साहब, आपने फर्स्ट टाइम मेरे को आज एमसी बोला। तो क्या हुआ, कुछ गलत बोला मैंने? साहब आपने मेरे को गाली दिया। गाली? अरे मेरे एमसी का तूने गलत मतलब निकाला। पहले ये बता तेरा नाम क्या है? मंगेश चौहान। तो मंगेश चौहान का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? एमसी हुआ क्या नहीं? साहब आपने बिल्कुल बराबर बोला साहब, इसका तो ऊपर का माला ही साहब खाली है। साहब आपका न्यू मुंबई का चांदनी बियर बार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना साहब? अरे कदम, अब तो मैं मुंबई में 10 बियर बार खोलूंगा। क्या 10 बियर बार बनाएगा साहब? माल किधर से लाएगा? अरे घोड़ के, अपना तो उसूल है, जब तक ये वर्दी है ना तब तक जितना माल बना सकते हो बना लो, ताकि रिटायरमेंट के बाद ऐश और कैश की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर शंकर कलाल का फोन हो तो उसको बोल देना साहब राउंड अप पे गए, राउंड अप कर देना साले बजा। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ मैं शंकर कलाल बोल रहा हूँ, जरा दांडेकर को फोन दे। जी वो दांडेकर सब तो इधर है नहीं, वो राउंड अप पर गया है सब। आने के बाद उसको मुझे फोन करने को बोलना। हाँ मैं कवे पे मिलूंगा। हाँ सब बोल देता हूँ मैं सब। जी सब जरूर सब। अच्छा सब, साहब वो शंकर कलाल का ही फोन था,
वो बोला साहब आएगा तो फोन करने को बोलना, मैं कौवे पे मिलूंगा। साहब ये कौवे का मतलब क्या होता है? अंडरवर्ल्ड की भाषा में मोबाइल फोन को कहते हैं कौवा। अच्छा साहब एक बात पूछूं, ये शंकर कलाल तो आपका दोस्त है, फिर आपने ये कदम को झूठ बोलने के लिए काई को बोला कि आप राउंड अप पे गए लाए? अरे वो साला हलकट, वो मेरा काई का दोस्त है? वो तो साला गुंडा है, गुंडा। उसके छोटे भाई को बलराज राणा के छोटे भाई ने किडनैप कर लिया, मतलब एक गुंडे के भाई को दूसरे गुंडे के भाई ने उठा लिया। अब इस लफड़े में मैं क्यों पढ़ू और अपनी नींद हराम करू? अपने का तो मतलब है टिंग टिंग टिंग। बिल्कुल ठीक बोला साहब, बिल्कुल ठीक बोला। उदय के जितने भी दोस्त हैं उन सबके घरों की रात भर तलाशी लेता रहा, लेकिन प्रताप का कहीं भी पता नहीं चला। दांडेकर साहब तनिक अस्पताल में फोनवा तो करके देखिए, बलराज राणा जिंदा भी है कि सर्वा नरक से धार गया। हेलो। हाँ मैं इंस्पेक्टर दांडेकर बोल रहा हूँ। आईसीयू के रूम नंबर 504 में जो मरीज है उसकी हालत कैसी है? होल्ड ऑन इंस्पेक्टर, हम रजिस्टर देख के बताता है। देखकर बता रही है। अच्छा अच्छा। ओह नो इंस्पेक्टर, वो पेशेंट तो मर गया। क्या? क्या हुआ? बलराज राणा का रोल फिनिश हो गया, वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। शंकर धीरज से काम ले, लगता है तुम्हारे भाई की डेड बॉडी आ गई। ठीक तो है ना? अरे भगवान का शुक्र है कि उसने इसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन कैसे छोड़ दिया? बलराज राणा तो वो जिंदा है। क्या? इतनी गोलियां खाने के बाद भी वो जिंदा है? चला अभी तक मरा नहीं। मेरे और बलराज राणा के इस लफड़े में उस छोकरे उदय को नहीं पड़ना चाहिए था, उसने ठीक नहीं किया। मैंने दांडेकर से सब मालूम कर लिया है भाई, वो साला कुतरिया विठल राव जाकर शंकर कलाल से मिल गया है और वो दोनों मिलकर आपका गेम बजाने के लिए सुपारी किलर को भेजे थे। लेकिन भाई अपन भी चुप नहीं बैठा, अखा मुंबई बंद करवा डाला और उन सालों का बहुत सा छोकरा लोगों को टपका डाला। नकोली थोड़े दिन के लिए सब कुछ रोक दो, क्योंकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी हमारा अपना है, सरकार भी अपनी है। गैंगवार को मुद्दा बनाकर अपोजिशन वाले कोई बावेला कर सकते हैं। आओ उदय आओ। प्रणाम भैया। अरे कैसा है तू? है मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे? मैं पहले से काफी ठीक हूँ। माँ कैसी है? वो तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि आप ठीक हो जाए, और भगवान ने माँ की प्रार्थना सुन ली। ये माँ का ही आशीर्वाद तो है जो मैं बच गया। अरे वो गणपति की स्थापना है, तू मूर्ति ले आया ना? भैया इस साल तो इतनी बड़ी मूर्ति लेकर आया हूँ कि आप चौंक जाएंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि हर साल आप आते हैं, इस साल आप नहीं आ सकेंगे। अरे दुख नहीं करते, देखो स्थापना पे नहीं आऊंगा तो मैं विसर्जन पे तो आऊंगा ना। भैया ठीक कहते, गणपति बापा के आशीर्वाद से भैया तब तक तो ठीक हो जाएंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा।